ये शहीदों की धरा है संस्कृति का नगर भी, ये शहीदों की धरा है संस्कृति का नगर भी, कदम रखते हैं यहां पर नमन कर लेने के बाद। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, बठाकुर रोशन सिंह जैसे तमाम वीरों की अमर स्मृतियों को संजोए शाहजहांपुर अपने आप में विशिष्ट है। वर्तमान सरकार के दिशा निर्देशन के अंतर्गत गत 4 वर्षों में शाहजहांपुर जिस द्रुत गति से विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ है, उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो किसी भी शहर की पहली समस्या होती है, यानी जाम। उसके लिए नगर निगम ने गोविंदगंज, बहादुरगंज, बरेली मोड़ आदि स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ आंतरिक मार्गों का चौड़ीकरण किया है। इसके अंतर्गत सड़कों के जो बिजली के खंभे व ट्रांसफार्मर आदि यातायात में अवरोध बन रहे थे, उनको प्रतिस्थापित किया गया है। इसके साथ ही साथ यातायात को और सुगम बनाने के लिए विभिन्न स्थलों पर धर्म स्थलों को हटाया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के निवासियों ने भी धर्म से ऊपर उठकर विकास को महत्वपूर्ण मानते हुए पूर्ण रूप में सहयोग प्रदान किया है। किसी भी शहर की सुंदरता में चौराहों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा नगर के विभिन्न चौराहों का सौंदर्यीकरण किया है। इस दिशा में सुभाष चौक, अग्रसेन चौराहा समेत कई चौराहे प्रमुख हैं। नगर के राष्ट्रीय स्तर के कवियों में दादा राज बहादुर विकल, दामोदर स्वरूप विद्रोही व अग्निवेश शुक्ल की स्मृतियों को संजोने के लिए कवि त्रिमूर्ति तिराहे के रूप में तीनों कवियों की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। चिनौर में वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा की स्थापना की गई। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि चिनौर एक वर्ष पूर्व भी नगर निगम में सम्मिलित हुआ, लेकिन वहां का विकास देखने योग्य है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि वाटिका, जो अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती है, उसकी भी स्थापना की गई है। विकास कार्यों को गति प्रदान करते हुए व नगर वासियों को बेहतर यातायात व्यवस्था देने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा ककरा व मघई टोला में नई सड़कों का निर्माण, इसके साथ ही ककरा मार्ग को गर्रा पुल पर पुल निर्मित कराने के उद्देश्य के साथ ककरा मार्ग को सीधे अजीजगंज से जोड़ने की योजना है, जो आरंभ हो चुकी है। विकास कार्यों को और गति प्रदान करते हुए नगर के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण किया गया है, साथ ही गर्रा व खन्नौत नदी पर नए पुल बनवाए गए हैं, जिससे जाम की समस्या को काफी हद तक दूर किया गया है। पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए ककरा में हरित क्षेत्र के लिए 10 हेक्टेयर भूमि में
जैव विविधता पार्क व मियाबाग की पद्धति से फॉरेस्ट स्टेशन विकसित किया गया है। इसमें अब तक लगभग 14,000 से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। इसके साथ ही अमृत योजना में गांधी पार्क, गर्रा घाट, अमृत योजना के अंतर्गत ही पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पेयजल की 6 टंकियों का कार्य, 14 ट्यूबवेल, 150 किलोमीटर से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के साथ ही लगभग 15,000 घरों में पाइपलाइन के कनेक्शन किए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत लगभग 50 करोड़ की लागत से शहर के समस्त मुख्य नालों का निर्माण कराया गया है। नालों को कवर करते हुए बाईपास मार्ग के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। शहीद उद्यान का अद्भुत सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसकी छटा लोगों के आकर्षण का केंद्र है। पर्यावरण एवं नगरवासियों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 25 इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन का कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। गोवन संरक्षण वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महानगर में कान्हा गौशाला के रूप में मघई टोला में गौशाला का निर्माण किया गया है। क्षमता बढ़ाने हेतु इसे 2 मंजिला बनाया गया है, जो प्रदेश में अनूठा है। इसी प्रकार नंदीशाला की भी स्थापना की गई है। गौशाला एवं नंदीशाला में वर्तमान में 500 से अधिक गोवंश आश्रय पा रहे हैं। इनकी देखरेख नगर निगम की समर्पित टीम के द्वारा की जा रही है। नाम रामवीर सिंह है। मैं गौशाला से 4 गैयाँ ले गया हूँ। 900 रुपये महीने मिल जाते हैं। गैयाँ खूब खाती हैं, खूब दूध दे रही हैं। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पीएम स्वनिधि योजना में 7,575 पथ विक्रेताओं को ऋण स्वीकृत किया गया। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 2,240 महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया। मोदी जी धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। 10,000 मुझे मिले, उससे मेरा रोजगार चल रहा है। और योगी जी का भी धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कर्रा के निष्प्रयोज्य पुल को वेंडिंग जोन के रूप में शानदार ढंग से विकसित किया है, जिसमें सब्जी विक्रेताओं को दुकानें आवंटित की गई हैं। पंडित दीनदयाल शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करने हेतु पात्रों को प्रशिक्षण दिलाते हुए उन्हें रोजगार स्वरोजगार दिलाने का कार्य किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो 10,000 रुपए हमको दिए गए हैं, उससे हमारा रोजगार फिर से शुरुआत हो पाई है उसकी। इसके लिए हम योगी जी और मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और अपने इस रोजगार में हम बहुत ही खुश हैं, हमारा रोजगार बहुत ही अच्छा चल रहा है। शहरी बेघरों हेतु जहां एक ओर 6,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाकर आवास विहीन व्यक्तियों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराए गए हैं, और
अधिक से लोगों को इसका लाभ और मिल सके, इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। वहीं दूसरी ओर निराश्रित व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने हेतु बेहतरीन सुविधाओं से युक्त 100 व्यक्तियों की क्षमता युक्त पूर्णकालिक आश्रय गृह का निर्माण एवं संचालन जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमत धाम पर किया गया। वहीं शहर के प्रवेश द्वार अजीजगंज में 50 व्यक्तियों की क्षमता वाले आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है। मैं यहाँ पर आया हूँ हनुमत धाम आश्रय स्थल पर। यहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा अच्छी ये है, यहाँ पर आप लोग कभी भी कहीं बाहर से आते हैं, कोई दिक्कत होती है, बारिश है, ठंड है, यहाँ पर तुरंत हम लोगों को रूम मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पर जो भी कमरे हैं बहुत ही साफ और सही ढंग से, सफाई भी बहुत अच्छे से उसमें। तो इसके लिए मैं मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा हम लोगों को दी है बाहर से आने वालों को। किसी भी नगर की सबसे प्रमुख समस्या कूड़ा, इसके लिए कूड़ा प्रबंधन हेतु विकेंद्रीकृत व्यवस्था चिरनीबाग इंदिरा नगर मोहल्ले में की गई। ककरक में कूड़े से कंपोस्ट बनाने का कार्य व ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना की गई है। एमआरएफ सेंटर के माध्यम से कूड़े का पृथक्करण किया जा रहा है, साथ ही कूड़ा निस्तारण ट्रामल संयंत्र से किया जा रहा है। ब्लैक स्पॉट को समाप्त करते हुए नगर निगम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन सभी चिन्हित स्थलों को सेल्फी पॉइंट के रूप में विकसित किया गया है, साथ ही शहर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की इमारतों यथा घंटाघर, छया कुआं का सौंदर्यीकरण के साथ हनुमत धाम मार्ग पर मनमोहक प्रवेश द्वार की स्थापना की गई। धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, दादा राज बहादुर विकल जी की ये पंक्तियां यहाँ पर मुफीद हैं कि धूल के कण रक्त से धोए गए हैं, विश्व के संताप सब धोए गए हैं, पांव के बल मत चलो, अपमान होगा सर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं, सर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं। शाहजहांपुर का स्वतंत्रता आंदोलन में एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आने वाली पीढ़ियों तक उस इतिहास को पहुंचाने व स्मृतियों को संजोने के उद्देश्य को लेकर म्यूजियम की भी स्थापना की गई है, वो भी लोकार्पण की ओर अग्रसर है। नगर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य को लेकर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट व एसी टॉयलेट्स की भी स्थापना की गई है, जो पूरी तरह उच्च गुणवत्ता युक्त हैं। शौचालय के लिए उधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन जब से योगी जी ने और मोदी जी ने ये हम महिलाओं के लिए एक शौचालय बनाया है, तो हमें कहीं इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए हम योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शहर की स्वच्छता को देश में स्थान की यदि बात करें तो गत वर्ष तक शहर स्वच्छता में अंतिम 100 स्थानों में गिना जाता था, लेकिन अब प्रथम 100 शहरों में गिना जाता है। इसी कारण 2020 में नागरिक सहभागिता में नगर निगम शाहजहांपुर ने पुरस्कार भी प्राप्त किया और ये पुरस्कार था प्रधानमंत्री पुरस्कार। सरकार के इन 4 वर्षों में शाहजहांपुर ने सही मायनों में विकास को न सिर्फ जाना है, बल्कि उस मार्ग पर पूरी गति व ऊर्जा के साथ चलना शुरू कर दिया है। इसके लिए शहर की जनता उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करती है।
कौमी एकता का ये महानगर इस संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है कि सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, कि सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो।